मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। Saying, beauty lies in the eyes of the beholder, especially the ones who wants to make their eyes shine out. So for those of you jinka din bina eyeliner ya kajal ke shuru hi nahi hota, hum laaye hain kuch amazing makeup tips jo elevate karenge aapka makeup routine. So for today's Wakeup makeup segment, we have a very special guest with us, Reena Khanna. Let's start with the eye preparation. Eye base start करेंगे. आपने थोड़ा सा concealing करना है और हल्का सा powder set करना है, या आप compact भी कर सकते हो जिससे eyes एकदम flawless दिखें आपकी. कोई lines नहीं होनी चाहिए. आप कभी भी eye base बनाओगे हमेशा eyes आपकी close रहनी चाहिए, because open करते ही वो lines आ जाती हैं. आप इनको कौन सा smoky eye look देने वाले हो? ब्राउन स्मोकी इफेक्ट देंगे, बिकॉज इन्होंने ग्रीन आउटफिट पहना है. फर्स्ट स्टेप, आपने ब्राउन पेंसिल को लाइनर की फॉर्म में लगाना है. थोड़ा सा ब्रॉड सेक्शन में लगाना है, ये नहीं कि आपने एक लाइन सिर्फ लाइनर की फॉर्म में लगाया, इतना आपको लगाना है. और देन उसको हम ब्लेंड करेंगे अपने किसी फ्लफी ब्रश से. आप उसको ब्लेंड इस तरीके से करोगे कि हमारी हाफ आइज ही कवर हो इसमें. लाइट कलर का मैं एक शेडो ले रही हूँ. आपने जो ये नीचे स्मोकी इफेक्ट दिया, आपको इसी को ब्लेंड करने के लिए सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है. ब्लेंडिंग इतनी परफेक्ट होगी उतना आईज आपकी और इन्हांस होंगी. ब्राउन शेडो मैंने अभी यूज़ नहीं किया है. ब्राउन शेडो मैं यूज़ करूँगी अभी, जस्ट फॉर हेवी आईज करने के लिए. अभी आप देख सकते हो आईज ओपन करके. मुझे तो ऐसी आईज पर्सनली बहुत पसंद है कि आप ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, आप ऐसे भी करके जा सकते हो, जस्ट यू आर गोइंग. लाइनर की भी नीड नहीं है इसमें. और इसी को मैं कन्वर्ट करने वाली हूँ अब पार्टी लुक में. अब मैंने ब्राउन कलर लिया, लाइट कलर नहीं है ये. बट ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि आप दो ब्रशेज यूज़ करो. आप अगर मैंने ये सिर्फ डिपॉजिट करा है अभी, इसको ब्लेंड करने के लिए मैं अपना सेकेंड ब्रश यूज़ करूँगी ताकि वो पूरी आईज हमारी ब्लैक ना हो जाए. इट इज़ ब्रो बोन, तो ब्रो बोन से आपका नीचे ही रहना चाहिए डार्क पार्ट, मतलब क्रीज लाइन के भी नीचे ही रखो ताकि जब आइज ओपन करो. देखो, आइज ओपन करने के बाद आपके वो डार्क एरिया ऊपर नहीं जाना चाहिए. ये हमने प्रॉपर ब्राउन स्मोकी आइज क्रिएट करी हैं, और इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए मैं ब्रो बोन पे थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करना चाहूँगी. जैसे आपकी पैलेट में कोई भी लाइट कलर का शेड हो जो कि पिगमेंटेड हो. स्मोकी आईज़ में एक चीज़ और है कि आपको लाइनर नहीं लगाना है बिल्कुल भी. जो ऐसे लुक आ रहा है वो लाइनर के बाद स्मोकी इफेक्ट ख़त्म हो सकता है. एक चीज़ और है स्मोकी आईज़ के लिए, अगर आप ऊपर वाटर लाइन में, मैं आपको बताऊँ तो हम ये पेंसिल लगा के दिखाने वाले हैं आपको. इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पानी आ रहा है तो उसी टाइम रुक जाओ. पानी अगर आ रहा है आईज़ में उस टाइम मत लगाओ उसको. अब मैं एक लाइट कलर शेड जो मैंने ऊपर लिया था, सेम आपको वही अपना शेड उठाना है अंडर आइज के नीचे में आपको करके. आई कैन सी यू आर ओनली अंडरलाइनिंग द हाफ ऑफ द, ओनली हाफ, हाफ से भी थोड़ा और कम मैंने लिया है इसको. इसके बाद आप मस्कारा लगाओगे, लैशेज लगाओगे, तो आपकी स्मोकी आइज कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, बट अभी मुझे ग्लिटरी आइज करनी है तो मैं अभी लैशेज नहीं लगा रही हूँ. पिगमेंट्स लगा रहे हैं ये, जिससे ग्लिटर जो है और पॉपअप होके आते हैं. आप ग्लू लगाओगे, ग्लिटर ग्लू, और आप अपना ग्लिटर लगा सकते हो. और एक लाइट और एक डार्क शेड मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है. तो स्ट्रेच करना है पहले और देन ग्लिटर अप्लाई करना है. एटलीस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, जिससे वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा
तो फिर ग्लिटर फॉल आउट भी नहीं होगा। लैश जो है कर्ल्ड होंगी तो लैशेस अच्छे से उसके साथ मर्ज हो जाएंगी। नाउ यू कैन सी कि आवर आईज इज कंप्लीट और बहुत ही अमेजिंग लग रही है।